इस बार का ग्राम प्रधानी चुनाव, जिला पंचायत सदस्य वाला चुनाव, बीडीसी वाला चुनाव, ब्लॉक प्रमुखी चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्ष वाला चुनाव, ये पांचों चुनाव कब होने हैं, किस महीने में होने हैं, इन सारी बातों पर हम लोग इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलती रहे और आप चुनाव से संबंधित हर एक तरह की खबरों से अपडेट रहें। इस बार बीडीसी का चुनाव, ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव, ग्राम प्रधान का चुनाव, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, ये चारों चुनाव एक साथ होने हैं। चारों चुनाव के बारे में मैं एक बार फिर से समझाना चाहूँगा, फिर से बताना चाहूँगा कि ग्राम पंचायत सदस्य का चुनाव, ग्राम पंचायत प्रधान का चुनाव, बीडीसी का चुनाव और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव, ये चारों चुनाव एक ही दिन कराए जाएंगे। चार चरणों में कराए जाएंगे कि आठ चरणों में कराए जाएंगे, इस पर अभी कोई भी फैसला नहीं आया है, लेकिन ये कन्फर्म हो चुका है, 99% कन्फर्मेशन आ चुका है कि ये चारों चुनाव एक साथ करवाए जाएंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि इन चारों चुनावों को एक साथ कराने में सरकार के राजस्व में काफ़ी बचत होगी और सरकारी कर्मचारियों को, अध्यापकों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग जोन में या अलग अलग तारीखों में जब चुनाव होते थे तो उससे क्या होता था कि स्कूल से संबंधित स्टाफ और भी विभाग से संबंधित स्टाफ अपना काम छोड़ करके, अपना ऑफिस छोड़ करके चुनाव कराने में दो महीने ढाई महीने तक डिस्टर्ब रहते थे। इससे उनके विभाग में जो समस्याएं आती थी उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उन्हें काफ़ी वक्त लग जाता था और एक व्यवस्था को अच्छी करने के लिए उनकी खुद की व्यवस्था खराब हो जाती थी। तो ऐसे में जब ये सारे चुनाव एक साथ कराए जाएंगे तो बहुत कम से कम डिस्टर्बेंस होगा, कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाएगा। तो हमें लगता है कि चुनाव आयोग की ये सबसे अच्छी बुद्धिमानी मानी जाएगी कि इस बार उन्होंने ये सारे चुनाव एक साथ कराने का फैसला लिया है। और मैं भी इस बात का अपनी तरफ से पूरा 100% समर्थन करता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ताकि संबंधित विभाग में किसी प्रकार की समस्या न आवे और सारे चुनाव एक ही साथ संपन्न हो जाएं। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में, आप लोग कितना समर्थन करते हैं इस फैसले को, आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि आप लोग इसका समर्थन कितना करते हैं, ये चारों चुनाव एक साथ होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर होने चाहिए तो क्यों होने चाहिए, क्या फायदा होगा, अगर नहीं होने चाहिए तो क्यों नहीं होने चाहिए, क्या नुकसान होगा आपका, ये सारी बातें आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। इसके अलावा यदि आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, पूरी तैयारी कर चुके हैं, तो आपको ग्राम प्रधान से संबंधित, ग्राम पंचायत से संबंधित हर एक प्रकार का डेटा मेरे द्वारा आपको मिल सकता है। जैसे नाली, खंजा, बिजली, पानी, ये कहाँ बना, कितने में बना, किस मद में कितना पैसा आया, कहाँ खर्च हुआ, किसके खाते में गया, नरेगा से संबंधित, शौचालय से संबंधित, आवास से संबंधित, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, मतलब गांव से संबंधित जो भी डिटेल्स होता है, जो भी लिस्ट होती है, जो चीज़ आप RTI डाल करके दो महीने, चार महीने, छः महीने बाद दो चार पेज में पाते हो, वो सारी चीज़ें हम पूरे 5 साल का 100-150 पेज में आपको दे सकते हैं। बट उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर अपने राज्य का नाम, जिले का नाम, ब्लॉक का नाम और ग्राम पंचायत का नाम लिख करके सेंड कीजिए। और यदि ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो तो आप मुझे सुबह 11 बजे से लेकर के शाम को 9 बजे तक रात में कॉल कर सकते हैं। यानी कॉलिंग टाइम हमारा अब सुबह 11 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक हो चुका है, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, उनसे बातचीत नहीं हो पाती है, इस नाते मैंने टाइम बढ़ा दिया है। अब सुबह 11 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक बातचीत होगी। बस लगे रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल के साथ। जो भी जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से, पंचायती राज की तरफ से आएगी, मैं आपको सबसे पहले इस चैनल पर उपलब्ध करवा दूंगा, ताकि आपको सबसे पहले पता चल सके और सही जानकारी पता चल सके। धन्यवाद।